हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह, बोल बोल बॉलीवुड के साथ, तो लेकर आई हूं बिग बॉस का रिव्यू। स्पेशली अगर मैं आज के एपिसोड की बात करूं तो आज का पूरा एपिसोड था हिमांशी खुराना के ऊपर। भले ही वो घर के अंदर नहीं है यार, पर बातचीत तो घर के अंदर चलती ही आ रही है हिमांशी खुराना की। और स्पेशली आज के एपिसोड में तो हर जगह हिमांशी खुराना ही छाई हुई थी। जैसे हम सब जानते हैं, हिमांशी जब घर में भी थी, एक स्पेशल मुद्दा था उनका उनका और उनकी लव स्टोरी को लेकर, आसिम को लेकर, क्योंकि आसिम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं ये आप सभी जानते हैं। और आसिम ने ये सारी चीज़ों को बार बार जाहिर भी किया उनके सामने, जहाँ पे हैशटैग भी लगाए गए आसिम और हिमांशी को लेकर। लोग चाहते थे हिमांशी और आसिम साथ हों। बस इसी चीज़ को थोड़ा और आगे हम बढ़ते हुए आज के एपिसोड में हमने देखा है। उसी के साथ फैमिली के मैम जितने भी लोग घर के अंदर हैं उनके फैमिली मेम्बर्स, अब कोर्स हम जानते हैं फैमिली वीक चल रहा है, लोग घर के अंदर आ रहे हैं, सारे फैमिली मेम्बर्स लोगों को बहुत सारी एडवाइस दे रहे हैं। कुछ एडवाइस लोगों को अच्छी लग रही है, किसी एक की एडवाइस उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है, पर वो कौन है इस चीज का भी मैं आपके सामने खुलासा करूंगी। और साथ में सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि, कहीं ना कहीं मेरे दोनों का ना गेम अब पूरी तरह चेंज हो चुका है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला इससे पहले कैसे नजर आते थे कि यार एक गुस्सा करना, लोगों को गाली देना या मुंह पे चढ़ के बात करना, अब टर्न तो पूरी तरह एक अलग ही शेड है सिद्धार्थ शुक्ला का देखने मिल रहा है। क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला जिस तरह के सिद्धार्थ शुक्ला इस वक्त नजर आ रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का सिद्धार्थ शुक्ला किसी ने देखा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिद्धार्थ शुक्ला लोग सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और लोग इंटरटेन भी हो रहे हैं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला अब लोगों को इंटरटेन कर रहे हैं। वो लड़ाई झगड़े से लोगों को नहीं इंटरटेन कर रहे, बल्कि उनका जो ये मजाकिया अंदाज है, जिस तरह वो लोगों के पीछे पड़ जा रहे हैं, उन्हें चिढ़ा रहे हैं, वो अगर आग भी लगा रहे हैं, वो आग लगाना भी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। वेल, ये सारी चीजें तो आपने भी ऑफकोर्स देखी होगी, तो ये चीजें स्पेशली आज भी हमें देखने मिली है। वहीं पे मधु ने, मतलब मधु का कोई हद नहीं है पार होने का, मधु सारी हदें वैसे ही पार कर चुके हैं, बस ये दोनों एक दूसरे को पूरी तरह मारना बाकी है, बाकी सब कुछ कर चुके हैं। आज फिर विशाल ने कुछ ऐसी बात कही है जिसपे मधु को फिर गुस्सा आ जाता है और वो फिर उनके ऊपर पानी फेंक देती, पर वो क्या बात है इस चीज का भी खुलासा मैं आपके सामने करूंगी। तो चलिए सबसे पहले मैं चीजें डिटेल में बताना शुरू ही करती हूँ, जहां पे हमने सबसे पहले रश्मि को देखा। रश्मि अब घर के अंदर, जब से अरहान गए हैं, जब अरहान घर से बाहर निकले थे, रश्मि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब नजर आ रही थी। वो रश्मि ने हमेशा ये बात बोला है कि वो कहीं ना कहीं इमोशनली लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उन्हें हमेशा धोखा मिला है, क्योंकि उनके अपनों ने भी उनका साथ नहीं दिया है, ये रश्मि का कहना है। और बस इसी टॉपिक पे बात करते हुए वो आरती से नजर आती हैं और आरती को ये बात वो कहती है कि यार मैं अब पूरी तरह टूट चुकी हूँ, मेरे अंदर जितनी भी चीजें रखी हुई तब धीरे धीरे बाहर आ रही है, मैं अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे रिएक्ट करूं। आरती उनको अरहान को लेकर ये बात समझाती है कि आप जो अरहान को लेकर इतना ज्यादा सीरियस हैं, अरहान को आप हर जगह ऐसा लगता है कि आप इमोशनली चाहते हैं वो आपके पास रहे, पर रश्मि ये गलत है, क्योंकि अरहान ने जो आपके साथ किया, अगर ये मेरे साथ होता मैं उस बंदे को अभी निकालती हूँ अपने लाइफ से, फेंक देती, जो आई थिंक मेरे ख्याल से हर लड़की यही चाहेगी। आई थिंक अगर आपके भी लाइफ में कभी कुछ ऐसा हो तो आप भी ऐसे इंसान को कभी अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहेंगे, मैं खुद ना रखना चाहूं। पर जिस तरह से रश्मि उनको हर जगह एक प्रोटेक्ट कर रही थी कि यार नहीं वो सही है, चाहे सलमान उन्हें कुछ बोल रहे थे, चाहे बाकी सारे लोग बोल रहे थे, तो वो जो एक मोमेंट था वो ऐसा समझ में नहीं आ रहा था यार रश्मि ऐसा क्यों कह रही है, बस उसी चीज को आज वो आरती के सामने बात करते हुए नजर आ रही थी। रश्मि ने ये बात कहा कि मैंने बहुत अपनों से धोखा खाया है, इमोशनली वो उनसे कनेक्ट है, शायद उनकी जगह पे हम नहीं है, मे बी इसलिए हम लोग ये बात नहीं समझ पा रहे, वो सेम बात वो आरती को कहती थी। और वो बाहर जाके सारी चीजों पे वो बात करना पसंद करेंगी, वो चाहेंगी कि वो बात करें, क्योंकि 3 महीना जितनी भी चीजें उन्हें पता चली, इट्स नॉट इजी कि वो इस तरह घर के अंदर पड़ी हो और बहुत स्ट्रांग नजर आए। उन्होंने ये भी बात कहा कि अब मुझे घर के अंदर छोटी छोटी बातों से भी बुरा लगने लगा है, मैं रोने लगी हूँ। और अगर आपने भी ये चीज नोटिस की होगी कि पूरे घर में वो अब किसी से बात ही नहीं करती है, अब या तो वो विशाल से बात करती है या तो वो आसिम से बात करती है, इसके अलावा वो किसी से ज्यादा घुलमिल भी नहीं रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब उनकी बातें शायद से यही 2 लोग समझ रहे हैं या इमोशनली उन्हीं से वो कनेक्ट हो रही है। तो वैसे ये रश्मि की बात हुई है। वही रश्मि और शहनाज के बीच में जो एक छोटा सा झगड़ा हमें देखने मिला था मधुरिमा और विशाल के टॉपिक को लेकर, आज सना और रश्मि भी उसी के बारे में बात कर रही थी, जहां पे सना उन्हें ऑरेंज देने के लिए ट्राई करती है, रश्मि नहीं लेती है, जिसपे सना आसिम को ये बात बोलती है कि यार मुझे नहीं पता है क्यों नाराज है, ऐसे क्यों करती है, एक टॉपिक था जो हम दोनों ने बात किया। पर उन्होंने आरती ने सॉरी रश्मि ने ये बात बोला कि जिस फोन में आपने मुझसे बात किया था, जो शब्द आपने मुझे यूज किया था कि तुम भी क्या करके आई हो पता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और तू इतनी बच्ची नहीं है कि तुझे नहीं समझ में आता तूने क्या किया है। वही दोनों के बीच में थोड़ी बहस होती है, दोनों उठते और चले जाते। वैसे आरती और सना की बात करूं, अगर आप लोगों ने भी ऑफकोर्स नोटिस किया होगा
कि इन दोनों के बीच में ये सारी चीजें हमेशा चलती रहती है। फिर लेकिन दोनों के बीच में ना बहुत बुरा रिश्ता है ना अच्छा रिश्ता है, एक मैनेज कर लेते हैं दोनों अपने रिश्ते को। देखना थोड़े दिन बाद दोनों फिर एक दूसरे के साथ होंगे और बातें करते हुए नजर आएंगे। जहां पे छोटी मोटी चीज हुई थी वहीं पे जरीवाला मधुरिमा से ये बात करते हुए नजर आती है कि यार तुम लोगों के बीच में जो भी चीजें हैं उस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप लोग दूर करो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मधु उस टॉपिक पे बोलती है और ये भी बात बोलती है कि उसे इतनी उसके जो बैक साइड पे इतना सारा चोट आया है, वो चल नहीं पा रहा है, उसको बोल थोड़ा पेन किलर खा ले उसको आराम हो जाएगा। तो मधु बोलती है मैं क्यों बोलूं, मुझे क्या जरूरत है, मैं क्यों उससे माफी मांगू। और बस वहीं से विशाल आ रहे थे, विशाल ने उनको ये बात कई बार बोला है कि कर्मा आपको हमेशा फेस करना पड़ेगा, कर्मा आपको भुगतना पड़ेगा। जिसपे मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मधु बहुत ज्यादा चिल्लाती है, जरीवाला पे भी चिल्लाती है, बाकी लोगों को भी चिल्लाती है कि मुझे नहीं माफी मांगनी है, मतलब मुझे नहीं माफी मांगनी है। उसके बाद विशाल अपनी इसी बात पे थे कि कर्मा है। जब वो आके अपने जो उनके लिए केज बनाया गया है उसमें आके बैठते हैं और जैसे ही मधु बाहर निकलती हैं वापस विशाल यही बात बोलते हैं और मधु पानी का बॉटल उनके ऊपर फेंक देती है, मतलब पानी उनके ऊपर फेंक देती है। फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है, फिर उनको कैसे भी सना लेकर वॉशरूम में जाती है। वहां पे उनको सिद्धार्थ शुक्ला ये बात समझाते हैं, जो सिद्धार्थ शुक्ला कल तक खुद अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते थे, आप लोगों ने खुद ही देखा होगा जब उनके हाथ में कुछ भी आता था या उनको जब गुस्सा आता था इतना ज्यादा लड़ते थे, वो सिद्धार्थ शुक्ला जो उनको शांत होने की एडवाइस दे रहे हैं। मतलब ये सच में बहुत बड़ी बात है क्योंकि अब वो एडवाइस दे सकते हैं क्योंकि अब वो काम वैसा कर नहीं रहे हैं। सिद्धार्थ ने यही एडवाइस दिया है मधु को कि आप इस तरह मत करो, आप गलत हो रही हो क्योंकि वो अगर आपको पोक कर रहा है आप बातों से बात करो, आप पानी फेंक रहे हो ये भी गलत चीज है। तो मधु ये बात बोली थी भैया पानी फेंकना क्या गलत है, उन्होंने बोला कि अगर आपको सजा मिली थी आपको मारने की सजा मिली थी, अगर विशाल को सजा मिली है तो आपको पानी फेंकने की सजा मिली है, मतलब पानी फेंकना भी कोई गलत चीज है, आप इस तरह के काम नहीं कर सकते। मधु को एक मोमेंट वो बात समझ में आई, पर सिद्धार्थ का इस तरह समझाना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था। उसी के बाद मैं जहां आपको कहा है कि सिद्धार्थ का एक अलग ही चेहरा देखने मिल रहा है, एक मजाकिया अंदाज, वो लोगों को इरिटेट भी कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। जहां पे सिद्धार्थ ने आपको रश्मि जब डिस्टर्ब थी तो सिद्धार्थ रश्मि के पास भी जाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि यार तू रो क्यों रही है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। रश्मि उनको बोलते हैं आप यहाँ से चले जाइए, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। वो बोलते नहीं नहीं मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। ये सारी चीजें होती है जहां पे रश्मि उनको अपने दूर करने की कोशिश में ये बोलती है कि अच्छा एक काम कर, तू बहुत ये कर रहा है ना, ये मेरा बाउल का पानी है फेंक दे और मेरी बॉटल में ठंडा पानी भर के लेके आ। सच में सिद्धार्थ अंदर जाते हैं, बाउल का पानी फेंकते हैं, ठंडा पानी लेते हैं और लाके रश्मि को देते हैं और रश्मि को इस चीज का बिलीव नहीं होता है। पर जो भी है सिद्धार्थ का ये जो अलग अंदाज है, वो आसिम हो रश्मि हो कोई कितना भी इरिटेट हो उसे हंसना आई जा रहा है। और आई थिंक जो बाहर आप लोग जैसे फैंस हैं उन्हें भी ये चीज बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है कि सिद्धार्थ शुक्ला जो ये काम कर रहे हैं, ये जो अलग ही उनका चेहरा देखने मिल रहा है बहुत अच्छा है। क्योंकि बिग बॉस अफकोर्स और ज्यादा टाइम 2 वीक्स और आगे चला गया है, तो इस तरह का सिद्धार्थ शुक्ला देखना वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा आगे जाने पे। वहीं सिद्धार्थ शुक्ला और रश्मि की बॉन्डिंग भी कहीं ना कहीं दिन पे दिन और ज्यादा स्ट्रांग होती नजर आ रही है हमें। जहां ये चीज हुई थी वही सना के पापा घर के अंदर आए हैं, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे इंटरव्यूज में बहुत सारी चीजें बोली है उनके पापा ने कि सिद्धार्थ शुक्ला के रिलेशन को लेकर उन्होंने काफी खुलासे किए। वेल सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने प्रोमो देखा होगा तो आपको ऐसे प्रोमो में लगा होगा कि वो बहुत कसम दे रहे हैं सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर कि आप उनसे दूर रहिए, आप ऐसे कीजिए, आप वैसे कीजिए। प्रोमो के हिसाब से तो बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि मैंने आपको हमेशा कहा है कि प्रोमो कुछ और करता है, बिग बॉस टेलीकास्ट कुछ और होता है। क्योंकि बिग बॉस माना ही जाता है अपनी एडिटिंग की वजह से, और सच में मास्टरमाइंड लोग हैं वहां पे कि जो इस तरह की एडिटिंग करके आपको दिखाते हैं कि यार एपिसोड तो अब तो देखना है क्या सना के पापा ने हमें बोला है। तो वेल सना के पापा ने उन्हें यही एडवाइस दिया है घर के अंदर, जब वो अपनी आते हैं बेटी से मिलते हैं गले लगते हैं और जब घर के अंदर जाते हैं उनको बोलते हैं मुझे घर दिखाइए, वो जाते हैं अपनी बेटी को गेम बताते हैं कि आप बाहर कितनी ज्यादा पॉपुलर हैं, लोग आपको कितना पसंद कर रहे हैं, सिद्धार्थ बाहर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पारस को लेकर वो कहीं ना कहीं ये बात बोलते हैं कि पारस आपके लिए बहुत खतरा, मतलब पारस आपके लिए अच्छा नहीं बोलता है, पारस से दूर रहा कीजिए, वो बंदा मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वही जो बात ये यहाँ बोलते हैं, और सिद्धार्थ को आपको इस लोग पसंद करे, सिद्ध को लेके वो कोई बात नहीं कहते, बोलते मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वही वो कसम देने की बात वो ये कहते हैं, उनके सर पे कसम रख के सना को ये बोलते हैं कि तू आज के बाद रोएगी नहीं, तू अपने आप को मारेगी नहीं, तू कसम खा। तो जहां पे इंटरव्यू में भी उन्होंने हमें यही बात कहा था सना के पापा ने कि उनकी मम्मी भी बिल्कुल ऐसी हरकत करती थी, तो सना ने भी ये बार बोला मम्मी भी ऐसे करती है, तो उन्होंने बोला कि नहीं मम्मी वो एक दो बार की है, तुम ये करती हो अच्छा नहीं लगता। जिसपे सना ने अपने पापा के सर की कसम खाई कि जी मैं नहीं करूंगी, पर सना उस कसम को कितना निभाती है तो आप भी देख लेंगे।
जब वही उनके पापा जब बाहर जाते हैं तो सबके बारे में कुछ ना कुछ बोलते हैं, वो सिद्धार्थ को बोलते हैं, वो पारस के पोल खोल देते हैं कि जेलेसी का जो वर्ड है वो तुमने लेकर आया है, फर्स्ट वीक में तुमने सना को ये बात कहा था कि माहिरा तुमसे जलती है, अब तुम माहिरा को बोलते हो कि सना तुमसे जलती है, ये इंसान है जो तुम दोनों के बीच में, तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हो, मतलब माहिरा और इसको बोला, जहाँ पे पारस को ये एडवाइस दी है वहीं पे लोगों को अच्छी नहीं लगी उनकी एडवाइस, साथ में आरती को उन्होंने ये बात बोली कि सना आपसे दोस्त समझ कर कोई बात बोलती तो आप वो बात जाके यहाँ से वहां कर देती हो, वो अच्छी बात नहीं है, आरती को बात समझ में नहीं आती है मैंने कब किया, उनके जाने के बाद जब वो उनको बाय कर देती, उनके जाने के बाद आरती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है, आरती एक बार डिस्कस करते हुए नजर आती है, यार मैं कसम खाती हूँ मेरा भगवान ये जानता है कि मैंने ये काम कभी नहीं किया है, और सच में आरती ने कभी सना और सिद्धार्थ शुक्ला के अगर कभी झगड़े हुए तो उसने उस झगड़ों को जाके सुलझाया है, ये तो हमने भी देखा, बाकी मैटर में आरती यहाँ से वहां बात करती है पर वो सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज के मैटर में कभी बात यहाँ से वहां नहीं किया, अगर उन्होंने बात कहा भी है तो उनके पापा को शायद मे भी कुछ और टेलीकास्ट होते हुए नजर आया होगा, या उनके पापा को ऐसा लगा होगा अब मुझे मौका मिला तो मैं सबसे बदला लूंगा यहाँ पर आके, तो बिल्कुल वही हुआ है। पारस को भी ये बात बुरी लगी कि यार जाके अपनी बेटी को संभाले ना, इतना शौक है तो मुझसे बात करने मत आए, पारस को ये बात बुरी लगी। उसके बाद आए हैं पराग त्यागी जो गेम पूरा पलटते हुए नजर आए, आपको सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहूंगी माहिरा की मॉम भी घर के अंदर आई थी, जिन्होंने सबके बारे में बहुत स्वीट बोला है, वो जब इंटरव्यू भी देती हैं तब भी वो किसी के बारे में कुछ गलत नहीं बोलती, उनको बोला भी जाता है कि इस पे रिएक्शन दीजिए, वो नहीं बोलती हैं, सबके बारे में सब अच्छा अच्छा बोलती हैं, वहीं वो पारस को ये एडवाइस देती है कि पारस आप जो किसी करते हो अच्छा नहीं लगता, कि अब बाहर आपकी बहुत बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड है, और जहां पे ये बात सच भी है कि आकांक्षा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उनकी सारी चीजें पारस की देखती है, पर लोगों को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बहुत स्वीटली वो हग करती है और सबसे मिलके चली जाती है। वही पराग त्यागी का आना घर के अंदर किसी के लिए अच्छा हो या ना हो, मैं एक बात बताऊं, जरी वाला और आसिम के लिए तो सच में ज्यादा बहुत अच्छा था, जरी वाला के लिए भी इतना अच्छा नहीं हुआ क्योंकि उनको पता है उनको घर निकल के पराग के साथ ही रहना है, पर आसिम के लिए बहुत बड़ी न्यूज लेकर आए थे पराग, जब पराग घर के अंदर आते हैं हम सब जानते हैं जरीवाला और पराग एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, किससे एक दूसरे का स्वागत करते हैं, वहीं पे जब आसिम के सामने ये खुलासा होता है कि हिमांशी के बारे में जब पूछा जाता है तो आसिम को ये वो बोलते हैं कि हिमांशी बाहर आपका इंतजार कर रही है, हिमांशी ने अपना रिलेशन आपके लिए तोड़ दिया है, वो आपसे बहुत प्यार करती है, इस बात पे पता या तो पहली बात तो आसिम को बिलीव नहीं हो रहा था, घर वाले भी उन्हें ये चिढ़ाते हुए नजर आ रहे थे कि यार तेरी तो लॉटरी लग गई है, उसका हम एक काम करते हैं, हम उसकी सिद्धार्थ शुक्ला ही बात बोलते हैं उसने जो रिंग पहना तो बेच के हम पैसे ले लेंगे, मगर लोग मजाक कर रहे थे, लोग कुछ भी कर रहे थे, पर आसिम एक अलग तरह की उनके अंदर खुशी नजर आ रही थी क्योंकि उन्होंने हमेशा ये बात कहा है, उन्होंने इस एपिसोड में भी ये बात कहा है कि मैं हमेशा उसका इंतजार करता, मे भी एक छोटी सा चांस मिल जाता उसको छोड़ के मेरे पास आ जाती, पर अगर वो मेरी वजह से उसको छोड़ी है मुझे इस चीज का बुरा लग रहा है। आसिम का वो पूरा हॉट टॉपिक बना हुआ था हिमांशी की सच में उनसे प्यार करती, सना भी ये बात बोलती है कि यार देख मैंने कहा था उसका जिस बंदे के साथ अफेयर चल रहा था वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यू नो ना वो लोग को ये सारी चीजें नहीं पसंद है, अपने इसी अंदाज में उन्होंने बोला है जो, और लेकिन सना को थोड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा था, अगर आपने नहीं एपिसोड देखा तो प्लीज जाके देखिएगा और नोटिस आप लोग खुद भी कीजिएगा कि सना को थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा था कि हिमांशी की इतनी टॉपिक चल रही है, पर उन्होंने बाद में आसिम को ये एडवाइस दिया कि आसिम अगर आपको ऐसा लग रहा है तो उस बंदी को अभी मत छोड़ना, बहुत अच्छी है, उन्होंने ये भी बात कहा है, जहां आसिम का ये खुशी कहीं कम नहीं हो रहा था, लोग उन्हें भले ही चिढ़ा रहे थे चाहे कुछ भी कर रहे थे, लोगों को भी ये बिलीव नहीं हो रहा था कि सच में ऐसा बाहर हो रहा है, पर जरीवाला से भी पराग ने घर के अंदर भी जाके यही बात बोला, पराग का जिस तरह का प्रोमो काटा था कि वासिम को डांटेंगे उन्होंने वो किया लेकिन वो मजाक में था, उन्होंने भी सबसे बहुत अच्छे से वेलकम किया, पर उनका सिर्फ मिलना था जरीवाला से, वो मिले क्योंकि वो उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाह रहे थे, उनको थोड़ी एडवाइस दी, जब पराग वहां से गए उसके बाद आसिम के भाई घर के अंदर आए हैं, वो घर से अभी तक निकले नहीं है पर घर के अंदर आए हैं, जहां पे आसिम ने उनकी आसिम का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट ये था कि जो हिमांशी के बारे में बात बोली जा रही क्या वो सच है या नहीं सच है, उनके भाई जैसे मैं एपिसोड की बात करूं जो एंड हुआ उनके भाई ने बोला है कि जो लोग बोल रहे हैं वो गलत है क्योंकि हम भी ये जानते हैं, इसी पे एपिसोड खत्म हुआ है, ये हम भी जानते हैं हिमांशी ने कभी मीडिया में आके बात नहीं कहा है कि उनकी इंगेजमेंट टूटी है या वो इंगेज थी, उन्होंने ये भी बात अभी तक नहीं कबूला है, उनका रिलेशन किसके साथ है, वो काउ कौन है क्या है ये किसी को नहीं पता है, हिमांशी सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में है ये बात पक्की है, पर वो कौन है ये अब तक खबरों में बहुत लोगों का नाम ले रहे हैं पर उनमें से कौन है ये पता नहीं है, ये तो हिमांशी को पता होगा, पर हिमांशी ने आसिम के लिए अपना रिश्ता तोड़ा है ये तो गलत है क्योंकि हिमांशी ने रिश्ता नहीं तोड़ा है, पर हिमांशी हाँ हमेशा आसिम के पास रहना चाहती है, हिमांशी चाहती थी कि आसिम और उनके बीच में जो ये रिश्ता बना है वो जाके घर के अंदर उस रिश्ते के बारे में
थोड़ा सोचे या उस रिश्ते को एक स्टेप आगे लेकर जाए, चाहे वो दोस्ती में ही सही, पर उस रिश्ते को खुल के जीना चाहती थी जो उनको मौका नहीं मिला है। मे बी 2 वीक्स बिग बॉस आगे चला गया, हिमांशी को वो मौका मिल भी जाए घर के अंदर जाके चीजें क्लियर करने के लिए, तो आने वाले एपिसोड में हमें क्लियर पता चल ही जाएगा। पर आपको मेरा आज का ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हिमांशी और आसिम के जो फैंस हैं उनके लिए कितनी बड़ी खुशी की खबरी थी, खुशखबरी थी, ये भी प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बुलबुल बॉलीवुड के साथ।